आज हम लोग पहला क्लास करने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल का। डिपार्टमेंटल का पहला क्लास बेसिकली जो है वो है, इस क्लासेस में हम लोग बेसिक चीज पहले पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक चीज का मतलब हुआ कि डिपार्टमेंटल का एकदम बेसिक चीज जो जो चाहिए आप लोगों को, उसके वो चीज मैं अभी कवर करूंगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग बहुत सारे सम्स करेंगे। देखो, सम्स जो होगा वो सिलेक्टेड सम्स होगा, सेलेक्टेड सम्स रहेगा। बट मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि जो मैं सम्स कराऊंगा आपका पेपर जो है उसी में से आने वाला है, ठीक है। पूरा पेपर आपको उसी में से आएगा, या तो एकदम सेम अमाउंट के साथ सम आएगा, या तो फिर सेम सम्स आएगा अलग अमाउंट के साथ, बट आएगा मेरा कराया हुआ क्वेश्चन ही। तो मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सिर्फ करके चल जाओ तो आप लोगों के लिए काफी है। अभी आपके पास 30 दिन है, 30 दिन में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और मैं गारंटी देता हूं, आप मेरे तरीके से यदि पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आराम से आप अभी से भी यदि कोई पढ़ाई स्टार्ट करता है तो 40-45 नंबर, 50 नंबर आराम से उठा सकता है, ठीक है। तो बस ध्यान से एकदम ठीक तरीके से पढ़ना, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बस वही एक सबसे बेस्ट तरीका है आपको पढ़ने का, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि ये पहला क्लास है, मैं बता दूं ये जो स्लाइडिंग्स आपको जो दिख रहा है जिसमें मैं लिखूंगा अभी, ये पूरा का पूरा स्लाइडिंग्स जो है वीडियो के नीचे अपलोड होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहां पे डाउनलोड कर लेना। आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, उसके बाद स्लाइडिंग्स को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद घर पे आप खुद से जाके अलग से कॉपी में जाके उस स्लाइडिंग्स को देख के लिख लेना है। सर मैं बात कुछ भी नहीं करना, बस खाली अभी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरे कॉन्सेप्ट को खाली समझो एक बार। पहला क्लास किसी भी चैप्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, क्योंकि पहला क्लास में ही हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट क्लास से तो सिर्फ सिर्फ सम्स कराया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बस खाली ध्यान देना है, ये पहला क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट करे। चलिए तो हम लोग डिपार्टमेंटल के बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे को बताना है बार कि सर ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या अंतर है, ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या अंतर है। देखो, एक बेसिक अंतर है मैं बताता हूं। यदि आप किसी भी पर्टिकुलर बैंक के बारे में बात करो, मैं मान लो एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक में जब जाओगे ना तो बहुत सारे आपको ब्रांचेस दिखेगा, कोलकाता का बहुत सारा ब्रांचेस आपको अलग अलग जगह पे दिखेगा। लाइक यदि मैं हावड़ा के बारे में बात करूं तो हावड़ा में आपको सालकिया में भी एक ब्रांच मिलेगा, लिलुआ में एक ब्रांच मिलेगा, रिसड़ा में एक ब्रांच मिलेगा, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग जगह पे आपको एसबीआई का ब्रांच मिलेगा। तो ये ब्रांच का मतलब आप समझ में आ गया कि एक कंपनी का बहुत सारा ब्रांचेस होता है अलग अलग एरिया में। बट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है पता है? आप यदि एक ब्रांच में गए, मान लीजिए आप गए एसबीआई का सालकिया वाले ब्रांच में, जब सालकिया ब्रांच में जब आप जाओगे ना तो यू विल सी कि वहां पे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट दिखेगा, कोई कैश डिपार्टमेंट, कोई कैश कलेक्शन डिपार्टमेंट, कोई लोन डिपार्टमेंट, तो कोई सेल्स डिपार्टमेंट, इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट दिखेगा। मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर में कई सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर कि डिपार्टमेंट और ब्रांच में क्या अंतर होता है। सर ब्रांच होता है अलग अलग लोकेशन पे, लाइक एक कंपनी का ब्रांच अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ब्रांच होगा। बट डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट एक ही लोकेशन पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये फंडामेंटल क्लियर हुआ कि सर ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या अंतर है, डिपार्टमेंट क्या होता है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटेंसी ऑफ डिपार्टमेंट। एक बात बताओ, डिपार्टमेंट का अकाउंट सीखने का क्या जरूरत है, जरूरत क्या है, मैं बताता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है जिस कंपनी का दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। दोनों डिपार्टमेंट को बोला गया कि दोनों डिपार्टमेंट का काम है सेल्स करना, दोनों डिपार्टमेंट का काम क्या है, सेल्स करना। तो एक बात बताओ, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि डिपार्टमेंट ए जितना सेल करेगा डिपार्टमेंट बी भी उतना ही सेल करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट ए 5 करोड़ का सेल करे और डिपार्टमेंट बी मात्र 4 करोड़ का सेल करे, ऐसा पॉसिबल है, यस सर। तो एक बात बताओ, मान लो तुम यदि कंपनी का मालिक हो, तुम कंपनी के मालिक हो, और कंपनी के मालिक होने के कारण तुमको ये दोनों में से, इस डिपार्टमेंट और ए डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट बी दोनों में से किसी भी एक को प्रमोशन देना है या फिर उसके सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, अप्रेजल देना है, बेसिकली सैलरी में अप्रेजल देना है, इन दैट केस आपको कौन से डिपार्टमेंट को चूज करोगे आप? जाहिर सी बात है जो आपको ज्यादा सेल करेगा 5 करोड़ रुपया। तो एक बात बताओ, 5 करोड़ रुपया जो ज्यादा सेल करेगा आप उसका ही अप्रेजल सोचोगे, ठीक है। तो बेसिकली डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाने का मेन मकसद ये होता है ताकि हम लोगों को पता चले कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस हुआ। देखो, यदि ये पता नहीं चलेगा ना तो हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
समझ में आया बात? तो हम लोग परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो बेसिकली डिपार्टमेंट अकाउंट क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली अकाउंट्स को हम लोग डिपार्टमेंट वाइज बनाते हैं। मतलब हम लोगों को, हम लोग ये देखते हैं कि ये मेरे को कितना प्रॉफिट दिया और ये मेरे को कितना प्रॉफिट दिया, और उसके बाद कंपेयर कर रहे दोनों को, ठीक है। तो अकाउंट्स में हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं कि इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट, मतलब डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट को किस तरीके से हम लोग निकाला जाएगा। तो मेन मकसद जो रीजन हैगा वो होगा ताकि हम लोग डिपार्टमेंट से हम लोग ये पता चल कर पाए कि एक डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट है, दूसरे डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट को निकालने का ही मेन मकसद है हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। तो रीजन आपको समझ में आ गया? अच्छा, तो मैं बताया कि व्हाट इज द रीजन, रीजन इज जस्ट टू इवेल्युएट द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को क्या करना, इवेल्युएट करना बाई कैलकुलेटिंग बाई व्हाट, बाई कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। कैलकुलेटर नेट प्रॉफिट निकालने के साथ साथ हम लोग ये करते हैं, इवेल्युएट करते हैं डिपार्टमेंट को कि डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा काम किया है। अब बात यहां पे ये है कि सर यदि मैं बात करूं नेट प्रॉफिट, किसी भी चीज का नेट प्रॉफिट निकलता कैसे है सर? इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। यस सर, इसके लिए आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, हम लोगों का निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। जो हमारा मकसद था वो मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। इट मींस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली इस पूरे चैप्टर्स में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, मतलब डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाएंगे। नॉर्मल रीजंस के हिसाब से हम लोग क्या करते थे, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और उसी के नीचे पीएल अकाउंट बनाते हैं, इसी के नीचे ये पीएल अकाउंट हुआ करता था, यहाँ पे जीपी आके ट्रांसफर करते थे हम लोग यहाँ पे। हम लोग अब क्या करेंगे ना, इसी को हम लोग दो डिपार्टमेंट के हिसाब से बनाएंगे। मान लीजिए दो डिपार्टमेंट है तो दो डिपार्टमेंट का कॉलम कर देंगे और क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए का सेल्स जो होगा डिपार्टमेंट ए में लिखूंगा, और जो डिपार्टमेंट बी का सेल्स होगा डिपार्टमेंट बी में लिखूंगा। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक, यदि इसका ए का जितना होगा ए में लिखूंगा, बी का जितना होगा बी में लिखूंगा। ओपनिंग स्टॉक जो ए में होगा वो ए में लिखूंगा, बी में जो होगा बी में लिखूंगा। वैसे ही परचेज सेम चीज, वैसे ही बहुत सारा खर्चा सेम चीज। इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं पीएल अकाउंट के क्रेडिट से मैं ट्रांसफर करूंगा। और सेम सेम इसका कुछ खर्चा है तो मैं खर्चे को डिपार्टमेंट वाइज बांट दूंगा। बांटने के बाद हमारा फाइनली जो हमारा मेन मकसद था वो हमारा पूरा हो जाएगा, नेट प्रॉफिट निकाल दूंगा दोनों का, अलग अलग डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट निकाल दूंगा। बस खत्म, समझ में आया बात, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर्स का मेन स्ट्रक्चर ये है कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। क्लियर है बात? ठीक है सर। तो सर बहुत इजी चैप्टर है सर? यस, इजी चैप्टर है, बस हाँ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया कि मैं क्या करूंगा, दूसरे एक दूसरे के खर्चे को जो जिस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो डिपार्टमेंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। बट दिक्कत ये है कि बहुत सारा यहाँ पे कंबाइंड एक्सपेंसेस नजर आता है। अब सर कंबाइंड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारा ऐसा खर्चा होता है जो खर्चा हम लोग डिपार्टमेंट वाइज नहीं करते, हम लोग एक पर्टिकुलर ब्रांच वाइज करते हैं। मतलब एक बात बताओ, मान लो मैंने बताया अभी एग्जांपल में कि एक एसबीआई का यदि ब्रांच में जाओगे तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है ए और बी, ये दोनों मिला के एक ब्रांच है। एक बंदा है जिसका नाम है आकाश, आकाश सेलर है, चाहे मैं समझ लो ये सुपरवाइजर है। ये सुपरवाइजर किस चीज का है, सुपरवाइजर ये ए को भी करता है और बी को भी करता है, मतलब डिपार्टमेंट ए में भी जाकर काम करता है, डिपार्टमेंट बी में भी जाकर काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, इस कंपनी इसको कंपनी सैलरी कितना देता है सर? सैलरी इसका देता है मान लो 10,000 रुपया पर मंथ, मतलब 12 महीने का हो गया 1,20,000। अब बात यहाँ पे ये है कि इस 1,20,000 हम लोग कौन से डिपार्टमेंट में खर्चे को माने, ए को माने कि बी को माने? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पूरे ब्रांच का आता होगा ना, कभी डिपार्टमेंट वाइज थोड़ी आता होगा। एक अलग डिपार्टमेंट का अलग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा, बी का अलग आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस केसेस में मान लीजिए आया पूरे डिपार्टमेंट का 60,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो एक बात बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल 60,000 रुपए का आया तो क्या 60,000 रुपए को हम लोग किस में बांटूंगा, ए को और बी में किस हिसाब से बांटूंगा? तो इस टाइप के खर्चे को बोलते हैं हम लोग कंबाइंड एक्सपेंसेस। तो हम लोगों को डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाएंगे तो जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम नजर आएगा हम लोगों को वो आएगा कंबाइंड एक्सपेंडिचर।
अब इस कंबाइंड एक्सपेंडिचर का तोड़ क्या होगा सर? तो मैं क्या करूंगा सर, तो मैं करूंगा यही कि हमारा जो भी कंबाइंड एक्सपेंडिचर होगा उस कंबाइंड एक्सपेंडिचर को एक जो रीजनेबल बेसिस होगा उस बेसिस में मैं इसको बांट दूंगा। सर व्हाट विल बी रीजनेबल बेसिस, मैं बताता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल में बात करूं मैं इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, 60,000 रुपए का आया, इसको मेरे को डिपार्टमेंट वाइज बांटना है, ठीक है। अब रीजनेबल बेसिस क्या होगा, बांटना तो है ना, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में बांटना है, बट रीजनेबल बेसिस का मतलब हुआ कि कौन से बेसिस पे बांटू, क्या हाफ हाफ बांट दू, ये बोलना गलत होगा। तब समझो एक बार, इसको बांटने का सबसे रीजनेबल तरीका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब मान लीजिए डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में, डिपार्टमेंट ए में 20 इलेक्ट्रिक पॉइंट है और डिपार्टमेंट सी में बी में 30 इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब स्विच। तो अब क्या करो ना, आप इस 60,000 रुपए को 2:3 के रेशियो में बांट दो, इसी को बोलते हैं रिजनेबल बेसिस। ये या तो तुमको समझ में दिया रहेगा या तो तुमको समझ में नहीं दिया रहेगा, बट तुमको बोल देगा कि तुम इसको इस रेशियो में बांट दे। समझ में आया बात? वैसे मैं बता दूं, मान लो कोई एक सेल्समैन है, उस सेल्समैन का कमीशन, कमीशन टू सेल्समैन, एक बार बताओ कमीशन टू सेल्समैन मान लो 1 लाख रुपए का है। अब इसको तुमको बांटना है, अब जब इसको बांटने जाओगे तो क्या सबसे बेस्ट बेसिस नजर आता है, सेल्स के हिसाब से बांट दो, सेल्स के रेशियो में बांट दो। मान लो डिपार्टमेंट ए का सेल्स है 1,000 और डिपार्टमेंट बी का सेल्स है 2,000, तो 1:2 के रेशियो में बांट दो। समझ में आया बात? इसी को बोलते हैं क्या, कंबाइंड एक्सपेंसेस, और कंबाइंड एक्सपेंसेस को इसी हिसाब से हम लोग बांटते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हुआ? मैं अभी तक तुमको दो चीज बताया थे, पहले बताया कि मैं डिपार्टमेंटल अकाउंट में बेसिकली क्या करने वाले हैं हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल बनाने वाले हैं, किसका, डिपार्टमेंट वाइज। दूसरा चीज मैंने बताया कि आपको बहुत सारा ऐसा खर्चा दिखेगा जो कंबाइंड एक्सपेंडिचर होगा, उस कंबाइंड एक्सपेंडिचर को लेके हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिस जो रीजनेबल बेसिस होगा, जो जो सबसे बेस्ट बेसिस होगा, उस बेसिस में हम उसको हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आएगा ये ट्रेडिंग पीएल बनाते वक्त, वो नजर आएगा, वो होगा इंटर गुड्स ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब समझो एक बार, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है ये समझना है। देखो मान लो डिपार्टमेंट ए था और ये डिपार्टमेंट बी था, दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं। हुआ क्या, एक समय ऐसा आया कि ए के पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, इसके पास बहुत सारे स्टॉक, ये देखो ये येलो कलर का जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये तुम्हारा स्टॉक है। तो डिपार्टमेंट ए के पास बहुत सारे स्टॉक पड़ा हुआ था, बट डिपार्टमेंट बी का पूरा स्टॉक एग्जॉस्ट हो चुका था, वो यूज कर चुका था। अब डिपार्टमेंट ए से, अब मान लो कोई कस्टमर आएगा तो ये डिपार्टमेंट बी के पास, तो डिपार्टमेंट बी तो उसको छोड़ ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। तो डिपार्टमेंट ए बोला, भाई सुन तू मेरे से स्टॉक ले लिया। तो क्या किया, ए जो है अपना स्टॉक किसको ट्रांसफर कर दिया, अपना स्टॉक ट्रांसफर कर दिया किसको, बी को। तो बी के पास गुड्स चला गया। तो इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, मतलब एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करे, तो जो गुड्स ट्रांसफर करेगा इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। क्लियर है बात? यस सर। तो अब यहां पे दिक्कत ये है कि एक बात सोचो, एक बार एकदम बारीकी नजर से देखोगे तो जब ये गुड्स ए बी को बेचा है तो ये जो गुड्स है ये ए के लिए सेल्स है, राइट, और बी के लिए क्या है, बी के लिए परचेज है, ठीक है। मतलब मैं बात करूं, ये अपना डिपार्टमेंटल वाइज ट्रेडिंग अकाउंट में बना रहा हूं, और यहां पे ए है और यहां पे बी है, यहां पे ए है यहां पे बी है, तो उस केसेस में ए जो है, मान लो मैं इसका अमाउंट दे रहा हूं 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का गुड्स ट्रांसफर किया ए बी को। तो देखो ए के लिए सेल्स होगा तो ए अपना यहां पे लिखेगा, क्योंकि ए के लिए सेल्स है, क्योंकि एक सेल्स है तो क्रेडिट साइड में लिखेगा, और बी के लिए परचेज होगा तो बी यहां पे लिखेगा। बट लिखेगा क्या, बाई इंटर गुड्स, या फिर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इंटर गुड्स ट्रांसफर, ठीक है। और ये भी यहां पे लिखेगा टू इंटर गुड्स ट्रांसफर। समझ में आया बात? क्योंकि ये ए के लिए सेल्स है तो इसलिए ए अपने क्रेडिट साइड में लिखा, क्योंकि ये बी के लिए परचेस था तो बी क्या किया, अपने डेबिट साइड में लिखा। मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं, और सुनना ठीक से। देखो मान लो कुछ दिन बीता, बीतने के बाद ए जो है, सॉरी डिपार्टमेंट बी जो है, डिपार्टमेंट बी जो है गुड्स ट्रांसफर किया किसको, ए को। डिपार्टमेंट बी गुड्स ट्रांसफर किया ए को।
अब देखो गुड्स ट्रांसफर कौन कर रहा है, बी ट्रांसफर कर रहा है किसको, ए को। जब बी जो है ए को गुड्स ट्रांसफर करेगा तो वही ए के लिए क्या होगा, ये मान लीजिए इसका अमाउंट ले दे रहा हूं 5,000 रुपया, ये ए के लिए क्या होगा, ए के लिए सेल्स होगा और बी के लिए क्या होगा, परचेस होगा, राइट। तो ए अपना बी जो है अपने क्रेडिट साइड में लिखेगा 2,000 रुपया, सॉरी 5,000 रुपया, और बी जो है ए जो है अपने डेबिट साइड में लिखेगा क्योंकि उसके लिए परचेस है, तो ये अपने डेबिट साइड में लिखेगा 5,000। क्लियर है बात क्या सर? यस सर, एकदम क्लियर है। तो इंटर गुड्स ट्रांसफर जो होता है, ये सेकंड एडजस्टमेंट जो हम लोगों को यहां पे सीखना था कि एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करता है। तो हम लोग समझ में आ गया कि जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है उसके लिए वो सेल्स होता है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में लिखता है अपना, वो इसलिए वो अपने क्रेडिट साइड में लिखता है, और जो गुड्स ट्रांसफर जिसको गुड्स ट्रांसफर होता है उसके लिए वो परचेस होता है, इसलिए वो क्या करता है, वो अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, क्लियर है बात एकदम? यस सर। चलिए बस एक चीज बताना है मेरे को, हो जाएगा उसका फिर काम खत्म। एक चीज समझो एक बार, ये जो गुड्स ट्रांसफर करता है ए डिपार्टमेंट बी को, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, सेकंड वाला केस को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, समझना है बार। ए जो है बी को ट्रांसफर किया है गुड्स, अब ये जो प्राइस हो सकता नहीं, जो 2,000 दिख रहा है आपको, जो 2,000 पर दिख रहा है, ये 2,000 दो तरीके का प्राइस हो सकता है, ये जो आपको 2,000 दिख रहा है ना, इसका दो हो सकता है प्राइस, या तो ये कॉस्ट प्राइस पे हो सकता है, या तो हो सकता है ये आईपी प्राइस पे। आईपी प्राइस तो नहीं बोल सकता हूं मैं, इसको बोल सकता हूं मैं सेल प्राइस पे, मतलब शॉर्ट में बताऊं तो या तो जिस प्राइस पे ए को मिला उसी प्राइस पे ट्रांसफर कर सकता है बी को, या तो फिर ये कुछ प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर कर सकता है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब यहां पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, राइट। समझ में आया बात? अब यहीं पे बात यहां पे ये आता है कि सर याद रखना ये कॉस्ट प्राइस है तो सम्स एकदम सिंपल है, मैं यहां पे इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं सिंपल, ताकि आपको याद रहे कि सर यहां या ये इस टाइप का सम्स एग्जाम में आएगा तो ये बहुत सिंपल सम्स है, मैं इसको लिख दे रहा हूं सिंपल सम्स है। यदि कॉस्ट प्राइस पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है गुड्स, तो ये जो मैंने किया है ना बस यही करके छोड़ दो, जो मैंने नीचे किया था ना, ये जो किया है ना मैंने, एक के लिए परचेस एक के लिए सेल्स, बस इतना करके छोड़ दो, बात खत्म। बट हाँ, जब थोड़ा सा गुड्स यदि ट्रांसफर करता है ए बी को और उसमें वो कॉस्ट प्राइस में ना लेके सेलिंग प्राइस पे लेता है, तो उस केसेस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिनारियो थोड़ा चेंज हो जाएगा और यहाँ पे पिक्चर में आ जाएगा लोडिंग। क्या आ जाएगा बताओ? लोडिंग। ये मैं सम्स वाइज थोड़ा सा क्लियर करूंगा, इसको थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, मैं जब सम्स कराऊंगा तब जाके आपको ये चीज क्लियर करूंगा कि किस टाइप का क्या लोडिंग के बारे में बात कर रहा हूं। दिस इज ऑल अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटल, आपके सिलेबस के हिसाब से मैं बात करूं तो बस इतना ही है डिपार्टमेंटल। यदि आप इतना ठीक तरीके से समझ गए, और लोडिंग वाला पॉइंट को मैं अभी पेंडिंग रखा हूं, उसको यदि आप समझ गए तो आपको इस चैप्टर का एक एक सम्स आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब मैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखो टाइप्स ऑफ सम्स, टाइप्स ऑफ व्हाट, सम्स। एक चीज ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल में जो आपका सम्स आने वाला है वो चार टाइप का सम्स आने वाला है। टाइप वन एकदम सिंपल सम्स होगा, एकदम सिंपल सम्स जिसमें नो इंटर गुड्स ट्रांसफर, एकदम सिंपल सम्स होगा। पहला सम्स जो मैं टाइप में करने वाला हूं उसमें तुमको देखने को मिलेगा कि वो एकदम सिंपल सम्स है और उसमें कोई इंटर गुड्स ट्रांसफर भी नजर नहीं आएगा, इंटर गुड्स ट्रांसफर, नो इंटर गुड्स ट्रांसफर, एकदम सिंपल सम्स होगा ये। क्लियर है? यस सर। टाइप टू, ठीक है, टाइप टू सम जो तो जो तुमको दिखेगा वो दिखेगा सिंपल सम्स, सेम चीज सिंपल सम्स विथ इंटर गुड्स ट्रांसफर एट कॉस्ट प्राइस, मतलब ये वाला केस का सम्स आता है, सेकंड टाइप का सम्स, ठीक है। टाइप नंबर थ्री, कॉम्प्लेक्स सम्स, या फिर मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा टफ सम्स होगा, मैं इसको सिंपल के कैटेगरी में डालू, सिंपल ही सम्स समझू ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंपल सम्स, बट इसमें एडजस्टमेंट्स क्या होगा, विथ इंटर
गुड्स ट्रांसफर एट सेल प्राइस। सिमसन मैन ये कॉस्ट प्राइस पे ही ये सेल प्राइस है, बस इतना ही अंतर आएगा। और एक लास्ट टाइप का सेंस जो देखने को मिलता है आप लोगों को वो है टाइप नंबर 4। ये टाइप नंबर 4 को मैं सेंस का नाम देता हूं, हमेशा मैं क्लास में पढ़ाते वक्त भी इसका नाम मैं दिया हूं। इसका नाम था यूनिट वाला सेंस, यूनिट वाला सम्स। बस ये चार टाइप का सम्स आपके सिलेबस में है। ये चार टाइप के सम्स यदि आप कर लिए ठीक तरीके से तो यू विल सी कि आपका पूरा का पूरा इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है, चाहे वो पास पेपर्स के जितने क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। और इवन अभी आप जो एग्जाम में बैठोगे ये चार टाइप के अलग से अलावा कोई और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आया बात? तो पहले क्लासेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज पढ़ ली हम लोग आज, कि बेसिक चीज सम्स में दिया रहेगा तो कैसे क्या करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास से हम लोग, अब जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है उस सम्स में पूरे के पूरे हम लोग एकदम सिंपल सम से स्टार्ट करेंगे, टाइप 1, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं ये जो मैं स्लाइडिंग बनाया हूं, ये स्लाइडिंग आपको नीचे अपलोड हो रहा है, आप फटाफट से जाओ उसको डाउनलोड करो और कॉपी में जाके खुद से पहले लिखो। देखो मोबाइल में मत छोड़ना, मोबाइल में छोड़ते हो बच्चे सोचते हैं कि मैं क्या फिर लिखने का क्या जरूरत, मेरे पास तो है ही। मेरे एक बात बताओ, जो जो कॉपी में रहता है वो तुम्हारे माइंड में रहता है, जो मोबाइल में रहता है, जो मोबाइल में रहता है वो मोबाइल में ही रहता है। ये इस कॉन्सेप्ट को जरूर तरीके से समझ लो कि जो भी पॉइंट, जो भी आप कॉपी में लिखते हो ना, वो कॉपी में रहने के साथ साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी लेके जाते हो। बट यदि आप कुछ इसको सिर्फ और सिर्फ आप अपने मोबाइल में एज अ सॉफ्ट कॉपी छोड़ चुके हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए मेरा बात मानो, अभी तक आप नहीं पढ़े हो, बस एक महीने से पढ़ाई को दे दो और यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, तो मैं ठीक है तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और यदि ये वैल्यूएबल कंटेंट लगा तो जरूर इसको शेयर करना, ठीक है, आपके जितने भी थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा हेल्प हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी ट्यूशन भी नहीं पढ़े। ठीक है, तो आप चीज को समझो एक बार। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।